हेलो फ्रेंड्स, ये रिचर फ्रेंड राहुल व्यास एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोपथ आरवी। फ्रेंड्स, आज हम डेल के वर्क स्टेशन T7610 का जो प्रोसेसर है, वैसे 2 प्रोसेसर सपोर्टेड करता है ये वर्जन डेल वर्क स्टेशन, पर हमारे जो डेल वर्क स्टेशन है उसमें एक सिंगल प्रोसेसर लगा है और उसको अराउंड 2012 या 14 में इसको इंस्टॉल किया गया था प्रोसेसर को, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको रीइंस्टॉल करूँगा, निकाल के इसका थर्मल पेस्ट है वो मतलब कि रीइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एनाबॉन्ड करके एक लोकल मतलब कि ये थर्मल कंपाउंड है, हीट सिंक कंपाउंड है, ये वाइट कलर में आता है फ्रेंड्स, और ये अमेजोन पे मिल जाता है 160 या 150 के आसपास। तो आराम से इस प्रोडक्ट की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हम इसको यूज़ करेंगे एज ए हीट सिंक कंपाउंड। एक्चुअली ये हीट सिंक कंपाउंड ही है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो ये एक इंडियन कंपनी है जो कि हीट सिंक कंपाउंड बनाती है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम आते हैं, डायोड्स एंड समथिंग एंड सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे हीट जो हीट सिंक हम लगाते हैं उसमें, उसके बीच में ये इसे अप्लाई किया जाता है। तो इस लोकल मतलब कि हीट सिंक कंपाउंड का यूज़ करेंगे हम डेल के वर्क स्टेशन में, और ये आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। तो डेल का जो 7610 वर्क स्टेशन है उसमें हम किस तरह से प्रोसेसर रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रीइंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप प्रोसेसर्स को रीइंस्टॉल करें या फिर मतलब कि एक्सचेंज करें, तो उससे पहले आप अपने बायोस है उसे अपडेट कर दीजिएगा एक बार। तो अभी मेरा यहाँ पे पीसी है वो बंद पड़ा है, अभी हम जो हमारा वर्क स्टेशन है उसको निकाल के प्रोसेसर रीइंस्टॉल करेंगे, साथ ही में एक एक्स्ट्रा कूलिंग फैन भी हम लगाने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डेल का T7610 है, और यहाँ पे ये हमारा एक वेट क्लोथ है, साथ ही में यहाँ पे ये हमारी हीट सिंक कंपाउंड है, एंड हमें यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की नीड रहेंगे। सिंपली इसको ओपन करते हैं, ये हमारा हीट सिंक है, ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है, सो हम देखते हैं इसके अंदर कंडीशन क्या है हीट कंपाउंड की। अगर अच्छी रहेंगी तो हम इसको अब अवॉइड करेंगे इसको एक्सचेंज करना। स्टाइल का यूज करेंगे हम, one different voice than the heat sink is unmount from the board. So, उससे पहले आप ये कनेक्टर है यहाँ पे, इसे आप निकाल लीजिए, एंड हियर यू कैन सी द हीट कंपाउंड इज slightly dry out, and so मैं आपको
आपको ये प्रोसेसर भी दिखाऊंगा। तो ये वेट क्लॉथ है, तो इससे हम ट्रेन कर लेते हैं प्रोसेसर को। एक्सचेंज अभी नहीं कर रहा, ये मैं प्रोसेसर सिम इसी प्लेस पे लगाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा थर्मल पेस्ट है, ये ड्राई आउट हो चुका है इसकी कंडीशन के हिसाब से, तो मैं इसको भी मतलब क्लीन कर लेता हूँ। जो थर्मल पेस्ट होता है वो आफ्टर समटाइम्स इसका जो एफिशिएंसी रहता है वो चला जाता है, सो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये जो now we are cleaning this dirt also। with help of this blower I am going to clean this fan. We have installed heat sink fan with the new unbound, you can see here, unbound 652 heat sink compound. You can easily find out this compound, even it is much cheaper than another's. So let you can see here the price printed on it, 160 rupees, and the quantity is around 100 grams. You all are easily find this item on Amazon, and even I am going to provide a link below in description. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस कंपाउंड हीट सिंक कंपाउंड का लिंक दे दूंगा, और आप इसको बाय करने वाले हैं तो लिंक से ही कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इससे थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा आपका। फ्रेंड्स तो चलिए इस सीपीयू को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ हमारे मॉनिटर और रीड सिस्टम के साथ, और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या आता है। So here I have attached one also 24 you can see here 24 volt DC fan. It's a wonderful
provide the airflow around inside a processor around area, and I am very impressed with this fan. I have also used it as a extra fan which can provide the more airflow around the components and make components much cooler. So this cooler this fan I have provide also. I have also give input for power this fan. Extra there is a adapter, 24 volt adapter, and here is the plug. So the rest connection will do and see how it's work. So friends, यहाँ पे मैंने अपना पीसी है वो ऑन कर लिया है और मैं जाने वाला हूँ पावर ऑन करने पीसी का. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पावर ऑन कर दिया है पीसी का. होप देखते हैं इसकी जो स्पीड है वो मेरे पुराने स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे हमने कुछ ऐसा टेक्निकल किया भी नहीं है जिससे स्पीड में फ़र्क पड़े. हमने सिर्फ हीट सिंक को क्लीन किया है और नया कंपाउंड लगाया है. हम सिर्फ देखते हैं कि वो कंपाउंड के साथ में परफॉर्मेंस क्या रहता है. साथ ही में एक एक्स्ट्रा फैन भी मैंने लगाया, जैसे कि शायद वीडियो में आपने देखा होगा. तो ये हमारा पीसी स्टार्ट हो रहा है. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जो मेरा सेकंड स्लॉट था उसमें इसको मूव करूं, लेकिन अभी मैं जब उसका अलाइनमेंट देखा तो सोचा कि जब जो मैं एक्स्ट्रा फैन लगा रहा हूँ तो वो उस पर इम्पेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा और जो उसके रैम है वो अच्छे से जो फ्लो है एयर का वो वहाँ पे पास आउट नहीं हो पाएगा. तो मैंने एज इट इज़ रखा है और बिल्कुल को लीनियर यहाँ पे मीन्स को सेंट्रिक जो हम फैन बोल रहे हैं सीपीयू कूलर का एंड हमने जो एक्स्ट्रा फैन लगाया है उसका. तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा मतलब कि एयर फ्लो में, तो जो हमारा सीपीयू का कूलर का फैन है वो ब्लो करेगा मतलब कि एयर को खींचेगा और बैक साइड में थ्रो करेगा. और ये हमारा जो हमने बैक साइड में लगाया है वो उस थ्रो की हुई है एयर उसको सक करेगा और हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा विथ हाई एयर फ्लो एंड वी कैन से द हाई वेलोसिटी. सो ये एक्चुअली हमारा पीसी अभी स्टार्ट हो रहा है. तो फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ा सा आवाज़ आपको महसूस हुआ, ये एक्चुअली मेरे एक्सटर्नल फैन का है. तो ये ठाकुर जी हमारे आ चुके हैं, चलिए ठाकुर जी को हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली एम यही था कि एक लोकल क्रीम है मतलब कि हीट कंपाउंड है ये वाला, इसको मतलब कि है ना बाउंड 6520 है, यहाँ पे जीरो भी है सॉरी सी है. ओके एनाबाउंड 652C हीट सिंक कंपाउंड थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है. तो ये बहुत ही चीप है, एक्चुअली चीप नहीं, हम इसकी क्वालिटी देखना चाहते थे ये परफॉर्म कैसे करेगा. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा. बहुत ही मतलब कम प्राइस है, 160 है, 100 grams के लिए तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ने वाला है ये प्रोडक्ट. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको परचेज कर लीजिएगा. वीडियो थोड़ा लंबा रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा पीसी ऑन हो चुका है. हम एक बार इसकी परफॉर्मेंस में जाके सीपीयू का देखते हैं क्या है इसका मतलब कि ये कितना रन कर रहा है अभी. परफॉर्मेंस मॉनिटर ओपन करते हैं हम एंड यहाँ पे ओपन रिसोर्स मॉनिटर पे जाते हैं एंड 47% अभी हमारा जो सिस्टम इंटरप्शन था वो चल रहा था. अभी 18% 9% पे सीपीयू यूजेज चल रहा है. कुछ दिन मैं इसको यूज करूँगा और इसका एक बेटर नियरेस्ट और वी कैन से क्लोजेस्ट रिव्यू दूंगा कि ये कंपाउंड कोई मतलब कि एक्सटर्नली कोई एक्स्ट्रा
इफेक्ट नहीं डाल रहा जो कि नेगेटिव वे में हम गिन सकते हैं। तो ये हम देखेंगे और मैं आपको इसका छोटा सा वीडियो दे दूंगा इन फ्यूचर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी जगह लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।